मेरा नाम है कार्तिका, आप लोग देख रहे हैं कार्तिका की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं लाई के मुरमुरे। लाई के मुरमुरे को हमने ये पैकिंग वाली लाई खरीदी है बाज़ार से, और उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी गुड़ रखी है और ये हमारा देसी घी है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी बनते हैं लाई के मुरमुरे, और लाई के मुरमुरे बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखना आज हम आपको बताएंगे कि हमने लाई इतनी प्राइस में करा रहे हैं। देखते हो ये गीली है, इसका सूखी है। लाई है ये हमारी गीली है, अब इसको हम कढ़ाई में सेक लूँगी थोड़ी थोड़ी। अब हम अपनी गैस चालू करते हैं, हमारी कढ़ाई गर्म होगी, कढ़ाई तब तक वेट करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम धीमी गैस कर देंगे, और धीमी गैस में हम अपनी भून देंगे लाई को। और जब कुरकुरे मुरमुरे बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं मुरमुरे लाई के। अब इसमें हम कचली चलाते रहेंगे कि अगर हम कचली नहीं चलाएंगे तो नीचे नीचे भुन जाएगी और ऊपर नहीं भुन पाएगी, तो इसलिए हमें ऐसे आराम आराम से कचली चलाना है। इसी में हमारी लाई भुन चुकी है, अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करके हम अपनी लाई रायत में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी लाई भुन गई है अच्छे से, कुरकुरी हो गई है और टूट रही है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे अपना देसी घी डाल देंगे। हमारा घी पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। और गुड़ क्या है, फोड़ लेना तो सही है, जल्दी घुल जाती है, नहीं बड़ी बड़ी बहुत देर में घुटती है, तो मार के फोड़ के रख दी है। इसमें हम डाल देंगे और इसको हम कचली चलाते रहेंगे, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, घी में ही वो करना है। और ये हमारी गुड़ बाल, हमारा गुड़ का पाक बन चुका है, वो हमारे पाक में झाग आ रही है। अब ऐसे पता चल जाता है कि बन चुका है हमारा पाक, और खुशबू दे रहा है पाक बनने का। और अब हम इसी में डाल देंगे लाई, तो लाई गैस बंद कर देंगे हम, और लाई को डाल देंगे इसी में हम, और इसको हम मिला देंगे इसी में। इसको मिला देंगे हम अच्छे से, आराम से मिलाते रहेंगे हम। हमने पाग में लाई अच्छे से मिला दी है, अच्छे घुमा फिरा के, और आप गुनगुने हैं हमारे ये लड्डू। अब हम बनाएंगे इस लड्डू को, आप पानी का सारा ज़रूर ले लें हाथ पे, पानी थोड़ा सा लगा के, और गुनगुने लड्डू बनाना है। अगर ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे, तो हम ऐसे लड्डू बना देंगे इसके लाई के मुरमुरे। इसी तरह से बनाते हैं, अच्छे दबा देना, अगर दबाओगे नहीं तो फिर ये खिर जाएंगे, और गुनगुने ही बनते हैं, ठंडे हो जाएंगे तो नहीं बनेंगे, तो वे खिरते रहेंगे। हमारे मुरमुरे बनके तैयार हैं, और सर्दियों में बच्चों को ज़रूर खिलाएं, माता पिता को ज़रूर खिलाएं,
अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्ते।